150 एकड़ की इस मेगा फैक्ट्री के अंदर मैं आज आपको लेके जाने वाला हूँ। ये है हायर का ग्रेटर नोएडा प्लांट। इस प्लांट के अंदर रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, स्मार्ट होम अप्लायंसेस, सारी चीजें बनती है। और साथ में इनके प्रेसिडेंट से आज हम करने वाले हैं कुछ खास बात। तो चलिए फटाफट से अंदर चलते हैं फैक्ट्री के, दिखाता हूँ आपको एक बहुत बड़ा प्लांट। आज हम आए हैं हायर की फैक्ट्री के अंदर इन ग्रेटर नोएडा, एंड आई हैव विद मी प्रेसिडेंट ऑफ हायर इंडिया मिस्टर एनएस सतीश जॉइनिंग अस ऑन द शो। थैंक यू मिस्टर सतीश फॉर टेकिंग आवर टाइम। प्लेजर, प्लेजर। आज हम देखेंगे इनके कनेक्टेड होम्स एंड यू नो ऑल द स्मार्ट अप्लायंसेस दैट दे हैव बीन वर्किंग ऑन, क्या है खास, क्या है नया, एंड 5G का जो होल अडॉप्टेशन हो रहा है इंडिया के अंदर, उससे इन डिवाइसेस पे एंड आपके घर के अंदर क्या चीजें आसान होने वाली है। सो ओवर टू यू, स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द गीजर। ठीक है। This is a product where basic simple water heater. Generally ना water heater बोलने से उनको ये लगता है कि भाई shock you know लगेगा ऐसा। So here is our technology, हमने patented technology है हमारा। हमारे में machine में पानी से आपको electricity का flow नहीं दिख रहा है, even अगर leakage हो रहा है तो। Whereas उधर आप देखिए उसमें आपको electricity का दिख रहा है। Correct. हमारी कंपनी का जो फिलॉसफी है ना, इनोवेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इनोवेशन। एक कंज्यूमर को अगर कोई बेनिफिट होना चाहिए, नहीं तो इट डजंट मेक एनी सेंस। दिस लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जनरली अगर वॉशिंग मशीन है तो ये फीलिंग है कि वो फ्लैट सरफेस में होना चाहिए, क्योंकि वो मोटर घूम रहा है। तो दिस इज आवर टेक्नोलॉजी कॉल्ड डायरेक्ट ड्राइव। सो बिटवीन द ड्रम एंड द ड्राइव देयर इज नो कनेक्शन, सो हेंस इट इज अ वाइब्रेशन फ्री। आप कैसे भी लगा दो भाई, मशीन काम करेगा। एंड व्हाट अबाउट दिस, ये आपने एक ट्रांसलूसेंट इसका बार वाला कवर छोड़ा हुआ है यहाँ पे, इज देयर अ रीजन फॉर दिस? जितने भी पानी का ये गंदगी होगा या मशीन कपड़े का जो भी गंदगी होगा, और पीरियड क्या होता है, ये जाके अंदर एक ड्रम में बैठ जाते हैं। सो वी पुट ए टेक्नोलॉजी नाउ इन दिस माइक्रो बॉल्स आर देयर। मशीन जब रोटेट होता है वो ड्रम को मारते रहता है, तो इसलिए वो उस पर जो भी स्केलिंग होगा ना, कुछ भी नहीं होगा। आफ्टर 5 years ऑल्सो जैसा था मशीन वैसे ही रहेगा। मूविंग ऑन, आई थिंक आई सी अ लॉट ऑफ एयर कंडीशनर्स हियर ऑन द राइट हैंड साइड। अगेन वी आर इन अ वेरी वार्म सिटी टुडे, एंड देयर इज ऑल्सो कोविड व्हिच इज सॉर्ट ऑफ कम बैक। सो यू नो वायरस इन PM2.5, ऑल ऑफ दीस थिंग्स आर बैक इन द पिक्चर। ऐसे में आई थिंक आई सॉ इन योर प्रेजेंटेशन दैट यू हैव अ एयर कंडीशनर व्हिच हैज अ PM2.5 फिल्टर इन इट एज वेल। इज इट हियर ऑन डिस्प्ले समवेयर? पूरा हेपा फिल्टर है, सारे चीज विद यूवी एनेबल्ड है, तो कम्प्लीटली जितने भी वायरसेस जो भी होगा 99.9%। सी हमारा ये फिलॉसफी है कि हम खाली एयर कंडीशन नहीं बेच रहे हैं, हम ये बोलते हैं कि भाई स्वच्छ हवा और ठंडा हवा। एक और टेक्नोलॉजी है हमारा, वो सेल्फ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी। अगर आपने प्रेस कर दी, ऑटोमेटिकली ये 20 मिनट में पूरा क्लीन होके आपको साफ हवा देना चालू करेगा। सो दिस इज अ वेरी स्मार्ट वे टू डू दिस। नाउ आई सी अ लॉट ऑफ टेलीविजन्स ऑन द बैक, एंड यू नो यू हैव गॉट एन OLED सीरीज, यू हैव गॉट 4K टेलीविजन्स, एंड यू हैव गॉट 8K टेलीविजन्स एज वेल। A little bit about this, इसकी मार्केट इंडिया में कैसे इवॉल्व हो रही है, how does it fit into the whole smart ecosystem of things? डेफिनेटली कोई भी अगर आपको टेलीविजन देखना है, आपको पहले 3-4 चीजें, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स बेस्ड है, एक एंड्रॉइड है, एक गूगल टीवी है, दूसरा है साउंड टेक्नोलॉजी क्या यूज कर रहे हैं, और तीसरा है कि भाई पैनल का क्या है, 4K है, 8K है या नॉर्मल FHD है, डिपेंडिंग ऑन द कंज्यूमर, मतलब आपके जैसा चॉइस है। और चौथा चीज है कि भाई स्क्रीन साइज। सो राइट फ्रॉम 32 inches वी हैव 75 inches टेलीविजन व्हिच इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एंड लॉन्च्ड, आई मीन इन इंडिया। एवरीथिंग इज बीइंग मेड इन इंडिया एंड टू मेड इन इंडिया, राइट फ्रॉम 2-inch FHD panel to a 8K display, everything is manufactured in India, which is a very commendable thing, right? Okay, shall we move on to the kitchen bit? I think there are a lot of people over there. So you know, we were talking about smart homes, connected homes, kitchen of course becomes a very important part of the entire thing. And I remember you mentioning again in your presentation that this thing can automatically turn off after a while. Generally is pe aisa hai, aap kuch bhi nahi rakhe, agar aapne switch on kiya, एक मिनट के बाद में इट सेंसर्स आपको इस पे ऊपर कुछ भी नहीं है तो ऑटोमेटिकली इट स्विचेस ऑफ। दूसरा चीज है, आपने एक कढ़ाई रखा, आप कढ़ाई में कुछ भी नहीं डाले, आफ्टर सम टाइम इट सेंसर्स नहीं है तो वो भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तीसरा चीज है, इस पे अगर आप देखेंगे तो मैंने टच नहीं किया, ये गेस्चर कंट्रोल्ड है, ये वुड का प्लैंक है, इतना बारी है, इसका सकिंग पावर जो है वाओ। सो ये पूरा वुडन प्लैंक में, पूरा वुडन प्लैंक, इतना सकिंग पावर है कि मतलब इस पे ये आ जाता है। ऑलराइट, आई थिंक लेट्स मूव ऑन टू द अदर बिट्स ओवर हियर। 3-door कन्वर्टेबल फ्रिज, एज अगेन यू मेंशनड इन योर प्रेजेंटेशन, दिस इज एन इनोवेशन मेड फॉर इंडिया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जनरली हम जब कस्टमर से डिस्कशन हुआ, कस्टमर को ये लगता था कि भाई इतना बड़ा मुझे फ्रीजर स्पेस नहीं चाहिए, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, इतना बड़ी वेस्टेज है, इसीलिए हमने ये प्रोडक्ट किया
कि ये 3-door रेफ्रिजरेटर है, आप इसको फ्रीजर सेक्शन या रेफ्रिजरेटर सेक्शन दोनों भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, एंड आल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन दैट्स हैपनिंग इन यू नो योर फ्रिज, इट इज अ पार्ट ऑफ योर फर्नीचर नाउ अगेन एज यू सेड, सो ये कस्टमाइज हो सकता है, मेड टू ऑर्डर हो सकता है। ये आपको ये लग रहा है तो आप Wow. अच्छा, इस पे डिजाइन भी आ सकता है, तो कस्टमाइज डिजाइन, अगर आपकी फैमिली की फोटोग्राफ चाहिए वो भी लगा सकते हैं। अगेन दीज आर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दैट यू कैन कॉन्फिगर योर फ्रिज इनसाइड, राइट? आई थिंक दैट्स अबाउट इट, वी हैव कवर्ड द होल दिस थिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई थिंक एवरीथिंग इज बीइंग मेड इन इंडिया, दैट फॉर मी इज द मेन टेक अवे। इसके अलावा यू हैव कवर्ड एवरीथिंग फ्रॉम अ स्मार्ट फ्रिज टू योर कुकटॉप्स टू योर इंडक्शंस, एवरीथिंग इज बीइंग मेड हियर। थैंक यू फॉर योर टाइम अगेन एंड यू नो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, इट्स आवर प्लेजर। थैंक यू। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग और इंसाइटफुल रहा है ये दिन, हमने काफ़ी कुछ देखा प्लांट के अंदर क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे बनती है, इंटरव्यू में भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स हमको देखने को मिले। आई होप आप सबको भी ये वीडियो उतना ही पसंद आया होगा जितना मजा मुझे इसको शूट करने में आया। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, एंड आज के लिए चलते हैं वापस फिर बैक टू द स्टूडियोज। मैं हूं कनक त्यागी, थैंक यू फॉर वॉचिंग इन।